आज मैं अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आज मैं अपने दिल को खोलना चाहती हूँ। आज मैं वफा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज मैं इश्क के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज मैं उस मोहब्बत के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज मैं बस वफा के बारे में बोलना चाहती हूँ। इश्क करो राधा सा, इश्क करो राधा सा, प्रीत करो मीरा सी। इश्क करो राधा सा, प्रीत करो मीरा सी, मर्यादा रखो राम सी, इंतज़ार करो शिव सा। आपने इश्क के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, बहुत सी कहानियाँ पूरी सुनी होगी, बहुत सी कहानियाँ अधूरी रह गई होंगी। मगर क्या आप जानते हैं वफा होती क्या है, इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, किसी को चाहना क्या होता है, किसी की खुशी में अपनी खुशी देखना क्या होता है, किसी के बस आ जाने से क्या होता है, किसी को बस दूर से ही महसूस करना क्या होता है, किसी को अपना दिल अपनी सांसों का राज बताने से क्या होता है। हाँ, तो एक छोटी सी बात है कि कुछ लोग मिलते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं, फिर वापस मिलते हैं। कैसा होना कंपलसरी है, कैसा सच में होता है, जुदा होकर भी इंतज़ार करना उसके लौट आने का, उसे दिल में यूं संजो कर रखना, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी हमारे पास आ जाए, मगर बस एक उसी की कमी महसूस करना। आप खुश हो, मुस्कुराते हो, सबके साथ हो, मज़े कर रहे हो, मगर बस उस एक शख्स की कमी को महसूस करना, उस एक शख्स को कभी कभार थोड़ा बहुत याद कर लेना, जुदा होकर भी बस इंतज़ार करना, और फिर भी आपको यकीन है कि वो एक दिन आएगा। कभी कभी आपका ये यकीन टूट भी जाता है, मगर आपको यकीन होता है कि अगर आप के दिल में थोड़ी सी भी सच्चाई है, आपने उसे सच्चे दिल से चाहा है, तो वो ज़रूर आएगा और खुद से आएगा। और फिर एक रात ऐसा कुछ हो जाता है कि वो आपके पास आता है, मगर उस हालत में नहीं आता जिस हालत में आपने उसे छोड़ा हो। वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हर तरह से जूझा हुआ आता है। आप क्या करते हैं, आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है कि जाने दो, छोड़ो यार, कुछ नहीं। बट नहीं, आपने उससे प्यार किया है, आप उसे भुला नहीं सके हैं, आप फिर भी उस वक्त भी अपनी सारी तकलीफ़ों को एक तरफा करके, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूलकर अगर उसे संजोना चाहें, उसे पिरोना चाहें, उसे जोड़ना चाहें, वफा है शायद। तो आप उसके सारे टुकड़ों को कुछ इस कदर इकट्ठा करते हैं, इस कदर उसे जोड़ते हैं कि बस वो आपका ही होकर रह जाता है। फिर भी आपको अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि वो वापस आ गया है, कि वो आपका प्यार जो दूर था वो वापस आ गया है, आपको उसका प्यार मिल गया है, आपको अपना प्यार मिल गया है। आप वो होते हैं जो उसे खुश करता है, जो उसे सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें भुला देता है। बेशक ये वफा है, यही वफा है। इस ज़माने में, इस दौर में मैं ऐसी बातें कर रही हूँ तो लगता होगा कि यार ऐसी वफा कौन करता है, ये तो बस एक कहानी है, जैसे रोमियो जूलियट की कहानी है, हीर रांझे की कहानी है। मगर क्या आपको पता है कि सच में ऐसी कोई मोहब्बत थी? ज़रा कोशिश तो करके देखिए। आप सोचते होंगे कि इस मतलबी दुनिया में कौन वफा करता है, कौन ऐसा किसी को चाहता है, कौन इस कदर से किसी को अपने दिल में बसा लेता है। मगर मेरी मानो तो एक बार शिद्दत से दिल खोल के किसी से मोहब्बत करके तो देखिए, बिन कहे एक दूसरे की बातों को समझ के तो देखिए, उसकी आँखों को पढ़ के तो देखिए, उसके दिल में झांक के तो देखिए। बस
एक बार शिद्दत से उसे वफा करके तो देखिए। गवाह हूँ मैं उस वफा की, ज़रा गौर से सुनिए, ज़रा गौर से सुने इस वफा की तारीफ़ है। मैंने वो वफा की है उस भू से, आप भी कर देखो मी से, और भूल जाओगे कि सौ दस्तूर क्या है ज़माने के, सौ दस्तूर क्या है ज़माने के। शुक्रिया।